नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ कौल और आप सभी का स्वागत है कौल की दुनिया में। कार्यक्रम का नाम है गाना परोसना। इस कार्यक्रम में गीतों को तोड़ा जाएगा, एक एक करके अक्षरों को जोड़ा जाएगा और बड़े प्यार से उस बनावट को परोसा जाएगा। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और स्नैपचैट इन जैसी सभी चीज़ों को समेट कर मस्तिष्क के कोने में पड़े बक्से में बंद कर दीजिए और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। आनंद की प्राप्ति होने पर उस बक्से को प्यार से खोलिए और उस आनंद को लोगों में बांटना मत भूलिए। 16वीं शताब्दी में लिखा है कश्मीरी गीत, मिहा करचे गीत, पोश दसवाने छाव में दाने पोश, जिसको हबा खातून ने उस समय के कश्मीर के बादशाह यूसुफ शाह चक के लिए लिखा था, जब उन्हें पहली बार प्यार का एहसास हुआ। आइए इस प्यार भरे समंदर की गहराई का अंदाजा लगाया जाए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुरों पर मत जाइएगा, यहां पर मकसद गाने का मतलब समझाना है। आइए मजा लेते हैं। बादशाह। तो हबाजी ने फिर क्या बोला?
रंग रंग थुरीन अकरालन मानी ब्योन ब्योन कुर नकार ओ रंग रंग थुरीन अकरालन मानी ब्योन ब्योन कुर नकार ओ केहे द्राई हल कहती हैं अबा खातून जी कहती हैं कि जैसे कुम्हार यानी पॉटर अलग अलग तरह से मिट्टी के बर्तन बनाता है वैसे ही भगवान ने अलग अलग तरह के लोग बनाए हैं और हर मिट्टी के बर्तन पे एक अलग तरह की बनावट होती है। वैसे ही भगवान ने इंसानों में कुछ बुराइयां और कुछ खूबियां डाली हैं। कुछ लोग बुराइयों को लेकर जीवन चलाते हैं वैसा स्वभाव बनाते हैं और कुछ अपनी खूबियों को लेकर अपने जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। आहा ओ मैं हकर से आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। वीडियो की शुरुआत में एक बक्से की बात हुई, समय आ गया है उस बक्से को खोलने का और इस गाने की खुशबू को चारों तरफ फैलाने का। उस बक्से को एक बार पलट के भी देखिएगा, बक्से के पीछे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लिखा होगा, बाकी आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए गाने के साथ, तब तक के लिए हो जाइए कॉल की दुनिया। नमस्कार।